गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वी आर एक्चुअली डूइंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन विच द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टूडे इज द जिम्नोस्पर्म्स. सो दैट्स हाउ द पार्ट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स लुक लाइक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज स्ट्रक्चर, वट आर दीज स्ट्रक्चर एक्चुअली एंड वट आर देयर फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर द सीड प्लांट्स विदाउट फ्रूट्स एंड मीन्स दे आर द नेकेड सीड्स. एक्चुअली वी आर कॉलिंग दैट दे डू नॉट हैव fruiting body, but they consist seeds. In pteridophytes, in bryophytes, there are no seeds. So let us now talking about the general characteristics of the gymnosperms. First of all, we are going to learn about the this name gymnosperm, which is made up of two words, that is gymno and sperms. So gymno means naked and the sperma means seed. So means naked seeds, that is the plant with naked seeds are comparatively more ancient with than the angiosperms in evolutionary terms. So evolutionary terms mein agar hum dekhe jo gymnosperms hai wo kafi hi zyada ancient hain than the angiosperms. Angiosperms kafi baad mein evolved hue hain and they are believed to be originated in the late Paleozoic era about 265 million years ago and flourished well during the Mesozoic era. So in the Paleozoic era jo hai ye originate hue the about 265 million years ago and in the Mesozoic era jo ki age hai of the dinosaurs, in that era kafi zyada well developed ho chuke the जिम्नोस्पर्म्स. सो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स नाउ बिकम एक्सटिंक्ट, काफी ज्यादा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड देयर ग्रुप एक्चुअली बिलोंग्स टू 900 लिविंग स्पीशीज और उनमें से अबाउट 500 स्पीशीज बिलोंग्स टू कॉनिफर्स, कॉर्न बियरिंग प्लांट्स, विच आर द कॉर्न बियरिंग प्लांट्स. सो दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कोल्ड क्लाइमेट्स वेयर स्नो रादर देन द रेन इज द सोर्स ऑफ वाटर. ज्यादातर हिली एरियाज में पाए जाते हैं, कोल्ड क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं एंड द सोर्स ऑफ वाटर इज एक्चुअली स्नो, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट्स में है तो वहां पर जो है स्नो जो है वो सोर्स ऑफ वाटर है रादर देन द रेन. रेन वहां पे कम होती है, जहां ऐसे एरियाज जहां पे बहुत हार्श कंडीशंस हैं, हिली एरियाज हैं और कोल्ड क्लाइमेट्स हैं. सो इन वार्मर एरियाज, वैसे मैंने यहाँ पे बात की कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं बट कुछ जो है वार्मर एरियाज में रहते हैं और उसका एग्जाम्पल जो है साइकेड्स है. साइकेड्स ग्रुप जो है, ऑटो साइकेड्स जो है वो इट एक्चुअली लिव इन द ग्रो इन द वार्मर एरियाज. सो साइकेड्स इज द ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स which are having palm like leaves रहती है इनको, इनकी मतलब हमारी हथेली की तरह इनकी जो leaves हैं वो रहती हैं, cycads हैं. then in India mostly जो conifers हैं वो pine है. example जो है अगर मैं बताऊं तो pine, spruce, cedar, cypress and larch जो है वो ज्यादातर हिली एरियाज में पाए जाते हैं. जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए यहाँ पे पाइन के, स्प्रूस के, ठीक है, सिडार के, साइप्रस के, ये सारे के सारे जो है वो ज्यादातर हिली एरियाज में रहते हैं. देन नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज साइकेडेसी डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म्स ऑफ द जुरैसिक एरा एंड इज लिविंग फॉसिल. जुरैसिक एरा की सबसे डोमिनेंट जो जिम्नोस्पर्म्स रहे हैं वो साइकेडेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और लिविंग फॉसिल भी इनको कंसीडर किया जाता है. सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइकेडेसी फैमिली डोमिनेंट रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स के जो फैमिली है डोमिनेंट रही है इन द पीरियड ऑफ जुरैसिक एरा और लिविंग फॉसिल है. नेक्स्ट पॉइंट इज gymnosperms are the seed plants that have evolved cones to carry their reproductive structure. So gymnosperms jo hai seeded plants hain
एज कम्पेरिजन टू द प्रीवियस टाइप ऑफ प्लांट्स जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट थे. यहाँ पे आपको सीड्स देखने को मिलेंगे एंड दे हैव इवॉल्व अ कोन लाइक स्ट्रक्चर टू कैरी देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. कोन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे. सो कोन्स क्या है? ये है कोन. दिस इज द कोन. ओके, सो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है. कोन लाइक जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एक्चुअली. ठीक है, सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोन्स. मतलब मेल कोन जो है वो डिफरेंट होता है, फीमेल कोन जो है वो डिफरेंट है. दिस वन इज द मेल कोन या मेल कोन. और आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. और फीमेल कोन जो है वो लार्जर होते हैं, मेल कोन जो होते हैं वो छोटे होते हैं. सो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. पर मैंने आपको बता दिया कि कोन जो है दे आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. एंड जो वेस्कुलर सिस्टम है मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट ही रहेंगे जैसे टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट थे. बट इन केस ऑफ जाइलम दे एक्चुअली डू नॉट हैव वेसल्स इन दैम. जाइलम में वेसल्स एबसेंट होते हैं, ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड इन केस ऑफ फ्लोएम जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स एबसेंट होते हैं. सो दिस वन इज द फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स कि उसमें जो है एंजियोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम होता है. बट अभी हम जिम्नोस्पर्म्स कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म्स में जाइलम में जो है वेसल्स एबसेंट रहते हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एबसेंट रहते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी पता होनी चाहिए. देन द डोमिनेंट प्लांट बॉडी ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट डोमिनेंट बॉडी है. टेरिडोफाइट्स में भी जो डोमिनेंट बॉडी थी वो स्पोरोफाइट थी. देन डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. ट्रू रूट्स हैं, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स प्रेजेंट है. देन डिस्कसिंग अबाउट द हैबिटेट. लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली पेरिनियल, जीरोफिटिक, एवरग्रीन, आर्बोरियल एंड वुडी प्लांट्स. वुडी प्लांट्स होते हैं, साल भर इनका जो साइकिल चला रहता है, जीरोफिटिक कंडीशंस में रहते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स हैं एंड दे ग्रो एज वुडी प्लांट्स, ट्रीज, बुशी श्रब्स और रेयरली एज क्लाइंबर्स. नन ऑफ देम आर हर्ब्स और एनिमल्स. सो वुडी प्लांट्स हैं, वुडी ट्रीज हैं एक्चुअली वी कैन से दैट वुडी ट्रीज हैं. देन बुशी श्रब्स हैं और क्लाइंबर्स जो हैं वो रेयरली होते हैं. और जो इनमें इनकी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हर्ब्स में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, और अगर बुशी श्रब्स की बात करूं तो अप टू 30 सेंटीमीटर्स तक की हाइट वाले जिम्नोस्पर्म्स आपको देखने को मिलेंगे. बट जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस में कोई भी जिम्नोस्पर्म्स की कैटेगरी नहीं है. सो श्रब्स जो कि अप टू 30 सेंटीमीटर्स तक के प्लांट अगर कुछ जो होंगे उनमें जिम्नोस्पर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं. ट्रीज जो हैं वो तो मतलब एक टाइप है ही है जिम्नोस्पर्म्स की कि दे आर द वुडी प्लांट्स. ठीक है, जो सिडार के देख लो, देवदार के देख लो, जो देवदार के ट्रीज हैं, तो वो एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का. वुडी प्लांट्स है, पाइन के ट्रीज हैं वो भी वुडी प्लांट्स हैं. देन दे लिव इन द हिली एरियाज एंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स. हिली एरियाज में रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं, तो वाटर जो है स्नो के थ्रू जो है सोर्स है उनका वाटर एब्जॉर्ब करने का. सो दे डू नॉट एक्चुअली लूज वाटर. ज्यादातर जो वाटर है जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उस वाटर को वो लूज नहीं करना चाहते हैं. जिम्नोस्पर्म्स लूज नहीं करना चाहते वाटर को. सो दैट्स व्हाई दे हैव नीडल लाइक लीव्स. दे हैव नीडल लाइक लीव्स, दिस काइंड ऑफ लीव्स एक्चुअली. लेट मी जूम इट. सो दिस काइंड ऑफ लीव्स एक्चुअली प्रेजेंट. ठीक है, नीडल लाइक है, देख रहे हो आप, तो नीडल लाइक लीव्स है. और ये पूरी की पूरी ब्रांच है. ठीक है, ये सीडार जो है प्लांट उसकी लीव्स हैं, उसकी ब्रांच जो है वो मैंने ली है. तो सीडार जो है देवदार जिसको बोलते हैं. ठीक है, हिमाचल का जो स्टेट ट्री है दैट इज सीडार, देवदार. ठीक है,
तो उसकी जो लीव्स हैं दे आर नीडल लाइक. और नीडल लाइक क्यों होती है, ताकि वॉटर जो है उसका लॉस ना हो. और वॉटर कैसे लॉस होगा, थ्रू ट्रांसपीरेशन. तो जितना ज्यादा लीव्स जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, उतनी ज्यादा ट्रांसपीरेशन हो सकती है. तो इनकी जो लीव्स हैं वो एक्चुअली एक नीडल की तरह बन जाती है, एक नीडल, एक देख रहे हो, एक नीडल की तरह, तो ताकि जो ट्रांसपीरेशन है वो कम हो सके. सो दे आर नीडल लाइक. और नीडल लाइक क्यों है ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया. देन जो जिम्नोस्पर्म्स है इनमें वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री जो है वो प्रेजेंट है. सो टॉलेस्ट ट्री कौन सा जिम्नोस्पर्म्स का, दैट इज सिकोया सेमी परवेरियंस, जाइंट रेडवुड भी बोलते हैं इसको. 125 मीटर तक की हाइट होती है सिकोया सेमी परवेरियंस की. और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी जो है वो है ज़ैमिया पायजेमिया. इसकी हाइट जो है वो अप टू 25 सेंटीमीटर तक जाती है. देन नेक्स्ट इज अबाउट द रूट्स. जो रूट्स हैं इम्पॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि दे हैव टैप रूट सिस्टम एंड आर वेल डेवलप्ड. वेल डेवलप्ड है क्यों, क्योंकि जो काफी ज्यादा लार्ज ट्रीज हैं ये, काफी अप टू इनकी हाइट जो है वो मैंने बताई, जैसे कि सिकोया की 125 मीटर तक की हाइट जाती है. तो टू द अपर लेवल, टू द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, वहां तक जो है वाटर सिस्टम जाना चाहिए, वहां तक फूड की जो है वो सप्लाई होनी चाहिए, ट्रांसलोकेशन होनी चाहिए. सो दे हैव एक्चुअली वेरी वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, और वो टैप रूट सिस्टम है. अगर इनकी बात करूं रूट्स की, दे आर सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद एल्गी. ये सिम्बायोटिकली एसोसिएशन बनाते हैं एक तो एल्गी के साथ और एक फंजाई के साथ. जब ये एल्गी के साथ एसोसिएशन बना रहे हैं तो इसका एग्जांपल है साइकस. और साइकस के पास जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स प्रेजेंट है. उन रूट्स को बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स, ठीक है, कोरेलॉइड रूट्स बोलते हैं. एंड दे हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं जिसको. सो नोस्टोक और एनाबिना इनके एग्जांपल्स हैं जो कि सिम्बायोटिकली एसोसिएशन बनाते हैं किसके साथ, रूट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स और स्पेशली साइकस, ठीक है. एंड देन विद द फंगस इन्होंने फिर से सिम्बायोटिकली एसोसिएशन बनाया है, और एग्जाम्पल है माइक्रोराइजल रूट्स ऑफ पाइनस. दोनों इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कौन कौन से एल्गी और फंजाई जो है किन के रूट के साथ जो है सिम्बायोटिकली एसोसिएशन बनाते हैं. एक और टर्म है ग्लोमस, ठीक है, ग्लोमस भी जो है वो सिम्बायोटिकली एसोसिएशन बनाते हैं, माइक्रोइजल एसोसिएशन है विद द जिम्नोस्पर्म्स. सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द स्टेम. सो स्टेम इज इरेक्ट, एरियल, सॉलिड, वुडी, वुडी रहती है, ठीक है, वुडी ट्रीज हैं, तो वुडी जो है इनकी स्टेम होगी. अगर मैं यहाँ पे ब्रांच की बात करूँ तो देखिएगा कि वुडी स्टेम है, ठीक है, वुडी जो है वो स्टेम मिलेगी. देन एरियल एंड ब्रांच, ब्रांच होती है. सो अगर यहाँ पे देखेगा तो ये देखिए आप, ब्रांच है स्टेम, ठीक है, ये एक छोटे से कोई ब्रांच मैंने ली है. तो अगर आप लार्ज ट्री देखोगे तो वहां पे ब्रांच स्टेम आप देख पाओगे. देवदार के ट्रीज जो है वो इजीली, और पाइनस के ट्रीज जो है, पाइन ट्रीज जो है वो आपको लोकली यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो ब्रांच होती है. एंड सम हैव अनब्रांच स्टेम इन केस ऑफ साइकस, साइकेड्स, वार्मर एरियाज में जो मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोकली जो है वो किसी किसी जगह पे मिलेंगे, पर ज्यादातर यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट रहता है तो यहाँ पर आपको साइकस ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादातर पाइन और सीडार के मिलेंगे. बट अगर आप वार्मर एरियाज में जाओगे तो वहां पे साइकस जो है वो देखने को मिलेगा. एंड दे हैव अनब्रांच स्टेम. अबाउट द लीव्स, सो जिम्नोस्पर्म्स हैव बोथ सिंपल और कंपाउंड लीव्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेल अडेप्टेड टू द विदस्टैंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. लीव्स जो है, जो टेम्परेचर है काफी कोल्ड है,
माइनस के टेम्परेचर में जो है वो बात जा रही है, क्योंकि मैंने स्नो की बात की कि इन दोज एरियाज दे आर ग्रोइंग वेयर स्नो इज प्रेजेंट. ठीक है, स्नो जहां पे होगी वहां पर ग्रो कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, माइनस में की डिग्री में टेम्परेचर है, तो लीव्स को वहां उस सिचुएशन में रहने के लिए दे आर वेल अडेप्टेड. एंड देन नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सर्फेस एरिया इन कॉनिफर्स थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा. नीडल लाइक लीव्स ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अब दोबारा से नहीं बताऊंगी. सो क्यों होती है? टू रिड्यूस द सर्फेस एरिया इन द कॉनिफर्स एंड दे हैव थिक क्यूटिकल संकन स्टोमेटा है, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए. सो नेक्स्ट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्शन के बारे में. सो जिम्नोस्पर्म्स आर हेटरोस्पोरस दैट इज प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स. ये मैंने जब कोन दिखाया था आपको, आपको तभी पता चल जाना चाहिए था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर एक्चुअली हेटरोस्पोरस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल माइक्रोस्पोर एंड द फीमेल मेगा स्पोर. ठीक है, माइक्रो एंड मेगा, माइक्रो से पता चल रहा है कि छोटा मतलब, और मेगा मीन्स बड़ा. तो मेल जो कोन है वो आपको छोटा देखने को मिलेगा, फीमेल कोन काफी बड़ा होता है. सो जो मेल माइक्रोस्पोर है एंड द फीमेल मेगा स्पोर्स, दी स्पोर्स आर बोर्न इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होता है. ये टेरिडोफाइट्स में मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया था कि कैसे स्पोर्स विद इन द स्पोरेंजिया लाई करते हैं. देन द टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफिलस. स्पोरोफिलस कौन सा पार्ट है? जहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, फर्टाइल पार्ट होता है ऑफ द प्लांट, दैट इज स्पोरोफिलस. सो द माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब जो पोलन सैक है आर बोर्न ऑन द माइक्रोस्पोरोफिलस. ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक माइक्रोस्पोरोफिल पे प्रोड्यूस होगा, एंड विच इज स्टामिन एक्चुअली. ठीक है, स्टामिन अगर हम कॉमनली बात करें, स्टामिन एंड द कार्पल. सो मेगा स्पोरेंजिया जो है मतलब ओव्यूल जो है दे आर बोर्न ऑन द मेगा स्पोरोफिलस, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल जो है. देन द स्पोरोफिलस आर यूजली एग्रीगेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्न्स और स्ट्रॉबेराई. तो जो स्पोरोफिलस है वो एग्रीगेट कर जाते हैं इन द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्न. सो दिस इज द कॉर्न और स्ट्रॉबेलाई. ठीक है, फीमेल कॉर्न जो है, सो दिस इज द कॉर्न. यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो देन द कॉर्न्स आर जनरली यूनिसेक्सुअल, दैट इज द मेल कॉर्न आर माइक्रोस्पोरेंजिएट पोलन कॉर्न्स एंड द फीमेल कॉर्न्स आर मेगास्पोरेंजिएट सीड कॉर्न्स. सो डिफरेंट कॉर्न्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल है, जैसे कि यूनिसेक्सुअल बोल रहे हैं कि मतलब डिफरेंट होंगे कॉर्न्स, मेल कॉर्न्स अलग होंगे, फीमेल कॉर्न्स अलग होंगे, एंड द मेल कॉर्न्स आर माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे, पोलन कॉर्न्स बोलते हैं उनको, पोलन प्रेजेंट होते हैं वहां पे, और जो फीमेल कॉर्न्स है उसको मेगास्पोरेंजिएट बोलते हैं, एंड सीड कॉर्न्स क्योंकि सीड प्रेजेंट होते हैं इन दिस मेगास्पोरेंजिएट. देन द मेल कॉर्न इज शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, फीमेल कॉर्न जो है वो लॉन्ग लिव, और उनके सीड्स प्रेजेंट होता है काफी टाइम तक दे लिव. एंड देन द माइक्रोस्पोरेंजिया जो पोलन सैक है दे प्रोड्यूस न्यूमरस लाइट पोलन ग्रेन्स. काफी सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. सो पोलिनेशन इज एनिमोफिलस, विंड पोलिनेशन होती है. एक तो बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेल कॉर्न जो है वो अलग है और फीमेल कॉर्न जो है वो अलग पार्ट में है, तो क्या होगा कि स्पोर्स जो है वो अगर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तभी जो है फीमेल कॉर्न तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो पॉलिनेशन है वो एनिमोफिलस है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, तो कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में जो पोलन है वो जा सकता है. सो दैट्स वाई दे आर प्रोड्यूसिंग इन द लार्ज नंबर. और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पाइन के ट्री में और पाइनस के ट्री में एक्चुअली ज्यादा नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंक्रीज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में मैंने बताया.
सो नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो कोई डायरेक्शन नहीं है. सो दे आर प्रोड्यूसिंग, जो पाइनस के ट्री है वो एक्चुअली येलो पोलन प्रोड्यूस करता है एंड दिस येलो पोलन एक्चुअली कॉजिंग द येलो पोलन एयर पॉल्यूशन. ठीक है, बहुत सारे जो है नंबर में ये प्रोड्यूस होते हैं, तो काफी ज्यादा नंबर में अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड येलो पोलन एयर पॉल्यूशन एंड इट एक्चुअली लीड्स टू हे फीवर. एलर्जिक जो है, एलर्जिक डिजीज कंडीशन कॉज करता है, दैट इज हे फीवर. सो इनके अगर मैं एग्जांपल बताऊं, इन शिमला सो देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोलन पाइनस ट्री और बहुत सारे नंबर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो जो ये पोलन ग्रेन्स है काफी ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली येलो इन कलर, येलो पोलन है एंड दे आर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं शिमला में और वहां के लोगों को ये बहुत समस्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एक्चुअली ये अगर ज्यादा होगा तो हे फीवर कॉज करेगा, एलर्जिक कंडीशन कॉज करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, येलो पोलन एयर पोल्यूशन और क्या कॉज करता है, हे फीवर. देन ईच पोलन ग्रेन दैट इज मेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट फर्दर इनसाइड द ओव्यूल एंड गिव्स आउट अ पोलन ट्यूब. जो पोलन ग्रेन है, मेल गैमेटोफाइट है, वो जर्मिनेट करता है इनसाइड द ओव्यूल एंड गिव्स आउट अ पोलन ट्यूब अराइज करता है. देन द जनरेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन प्रोड्यूसेस टू मेल गैमेट्स विच आर जनरली कैरिड बाय द पोलन ट्यूब. तो ये याद रखना है कि पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेटोफाइट अराइज कर रहा है और दो टाइप के मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, विच कैरिड इन द पोलन ट्यूब एंड दिस पोलन ट्यूब रीचेज अप टू द एग. ये पोलन ट्यूब जो है वो एग तक जाती है और रिलीज करती है दिस टू मेल गैमेट्स एंड वन ऑफ देम इज फंक्शनल एक्चुअली. सो वन ऑफ द मेल गैमेट फर्टिलाइजेज द एग फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड जायगोट. एक मेल गैमेट जो है फंक्शनल होता है एंड एक्चुअली फर्टिलाइजेज द एग एंड फॉर्म द डिप्लॉयड जायगोट. सो फर्टिलाइजेशन आकर बाय सिफोनोगैमी. सिफोनोगैमी का क्या मतलब है कि जो मेल गैमेट है that are carried to the archegonia. Archegonia means the female reproductive part through the pollen tube. और साइकस के केस में ऐसा नहीं होता है except in the साइकस. Thus it occurs in the absence of the external water. यहाँ पे water की कोई भी involvement नहीं है, जैसे कि pteridophytes या bryophytes में होती थी. So the diploid zygote develops into an embryo while still enclosed within the ovule and the ovule becomes a seed. सो जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवेलप हो रहा है एंड देन एनक्लोज्ड विद इन द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है. सो ओव्यूल जो है फर्दर सीड बनाता है और जो वॉल ऑफ ओव्यूल ओव्यूल है दैट बिकम्स अ सीड कोट. जायगोट एम्ब्रियो बना रहा है और एनक्लोज्ड है विद इन द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर है तो ओव्यूल जो है वो सीड बनता है फर्दर मोर एंड देन द वॉल ऑफ द ओव्यूल बिकम द सीड कोट. नेक्स्ट जो है दैट इज ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट द फूड लेडन टिश्यू ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो एंड फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इनटू सीडलिंग. तो जो सीड की डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए फूड जो है, न्यूट्रिशन जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो वो न्यूट्रिशन जो है वो एंडोस्पर्म सप्लाई करता है एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इनटू द सीडलिंग. अब जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फूड प्रोवाइड करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर दैट मैं कुछ एडेप्टेशन बता देती हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो लैंड कंडीशंस में उनकी जो एडेप्टेशन है वो क्या रही हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव सबटेरेनियन रूट सिस्टम, मतलब जो अंडरग्राउंड रूट सिस्टम है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है, एक्सटेंसिव है फॉर एंकरिंग एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए इनका जो रूट सिस्टम है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है. और सेकेंड थिंग जो मैंने फंजाई के साथ एसोसिएशन बताया एंड विद द एल्गी के साथ जो एसोसिएशन है ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स वो क्यों है, ताकि जो फंजाई और एल्गी है वो ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर देयर विद द एसोसिएशन विद द
gymnosperms. Then presence of vascular tissue system for the conduction of the water and minerals. Third one is well-developed mechanical tissue system to support massive large trees. काफी अच्छा जो है डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट है क्योंकि काफी लार्ज ट्रीज हैं ये, जैसे सिकोया है, सीडार के ट्रीज है, काफी लार्ज है, तो इसके लिए मैकेनिकल टिश्यू इनका काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है. देन प्रेजेंस ऑफ द बार्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एरियल पार्ट्स. बार्क जो है वो प्रेजेंट है ताकि एरियल पार्ट की प्रोटेक्शन हो सके. प्रोडक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर, ये भी बता चुकी हूँ कि पोलन ग्रेन जो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं एंड विच आर कैरीड टू द मेगा स्पोरोफिलस, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बाय द प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन. पोलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स है वो थ्रू द एजेंसी ऑफ एयर मेगा स्पोरोफिलस तक जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. देन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी एक एडेप्टेशन है टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स में जाने के लिए. देन जाइगोट जर्मिनेट विद इन द ओव्यूल टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, सो जाइगोट जो है ओव्यूल के अंदर जर्मिनेट हो रहा है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. देन ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है. सो दिस इज द एडेप्टेशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स. ठीक है, टेरिडोफाइट से जो है कंपेरिजन करें तो काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड सिस्टम है. स्पोर्स की जगह सीड्स प्रेजेंट है, रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड है, लार्ज ट्रीज हैं काफी ज्यादा. ठीक है, हर्ब्स नहीं होती हैं, श्रब्स और वुडी ट्रीज कंसीडर किए जाते हैं और पोलन ग्रेन्स और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो भी, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है. सो दिस इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. थोड़ा सा लाइफ साइकिल करेंगे इसके बारे में जिम्नोस्पर्म्स का एंड देन सम एग्जांपल्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. देन दिस चैप्टर इज कंप्लीट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक तो एंडोस्पर्म के बारे में बताऊंगी एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. मैंने डिस्कस कर दिया है बट थ्रू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. बाकी आई होप सो कि आप लोगों को कोन और नीडल लाइक स्ट्रक्चर जो है पता चल गए हैं कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं. एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने देवदार सीडार का ट्रीज जो है उसका एग्जांपल दे दिया, पाइन ट्रीज जो हैं वो कॉमनली होते हैं एंड व्हाट आर द कोन्स. सो थैंक यू सो मच.